टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब में बदलना सीखेंगे। फार्मूला वही रहेगा, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना है, फिर टू बी रखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ड बाय और सब्जेक्ट। लेकिन जब हम टू बी रखेंगे तब अब पास्ट परफेक्ट टेंस यदि आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तब ऐसी कंडीशन में हमको पैसिव वर्ब बनाते समय कौन सी टू बी रखना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब जब भी हमको रखना पड़े या टू बी रखना पड़े तो हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के समय हेड बीन। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस यदि सेंटेंस आया हुआ है और उसको हमको एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब में बदलना है तब हम हेल्पिंग वर्ब की जगह एक ही हेल्पिंग वर्ब रखेंगे हैड बीन। ये सबसे इजी पैसिव वॉइस है क्योंकि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसमें हमको सिर्फ बीन लगाना है। तो कुल एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि किस प्रकार हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, सबसे पहले सी हैड कुक्ड फूड डेली। सी हैड कुक्ड फूड डेली एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको हमको पैसिव वॉइस में बनाना है तो किस प्रकार बनाएंगे। जिस प्रकार इसके पहले हम सभी टेंस के वाक्य जो थे उनको एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब में बनाने के लिए जो रूल्स फॉलो करते थे वही फॉलो करना है। पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म अदर वर्ब बाय और सब्जेक्ट। तो पहले सेंटेंस को हम डिवाइड कर लेंगे, सी सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, कुक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, फूड ऑब्जेक्ट हो जाएगा और डेली अदर वर्ब हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब रखना है हमको, तो हेल्पिंग वर्ब एक ही रहेगी हैड बीन। यहां पर आपको एक वचन करता और बहुवचन करता किसी को देखना नहीं है, डायरेक्ट हैड बीन हमको हेल्पिंग वर्ब रख देना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में ही रहेगा कुक्ड, फिर उसके बाद में अदर वर्ब दिया हुआ है डेली, फिर उसके बाद में रखना है हमको बाय, और जो हमारा सी सब्जेक्टिव केस में दिया हुआ है जब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे तो ऑब्जेक्टिव केस उसका हो जाएगा हर। तो सेंटेंस बन गया फूड हैड बीन कुक्ड डेली बाय हर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे हम, राम हैड प्लेड क्रिकेट। राम क्रिकेट खेल चुका था, हमको बनाना है क्रिकेट खेला जा चुका था राम के द्वारा। तो सबसे पहले राम सब्जेक्ट हो जाएगा, हेड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा क्रिकेट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हेड बीन, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, फिर उसके बाद में अदर वर्ड नहीं डायरेक्ट रख देंगे बाय, और राम का राम ही रहेगा। तो सेंटेंस बन गया क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय राम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, टीचर हैड टॉट TAUGHT इंग्लिश। टीचर हैड टॉट इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ा चुका था, हमको बनाना है अंग्रेजी पढ़ाई जा चुकी थी शिक्षक के द्वारा। तो सबसे पहले इसमें टीचर सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, टॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म और इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब एक ही है कौन सी हैड बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सेंटेंस में दिया हुआ है टॉट, और अदर वर्ड नहीं है तो रख देंगे बाय, और टीचर का टीचर ही रहेगा। सेंटेंस बन गया इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, सी हैड संग अ सॉन्ग। सेंटेंस दिया हुआ है सी हैड संग अ सॉन्ग, उसमें सी सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, संग वर्ब का थर्ड फॉर्म, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले के अनुसार स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले आ जाएगा अ
सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब रखना है हमको हैड बीन, उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, अदर वर्ड नहीं है रख देंगे बाय, और सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। सेंटेंस बन गया अ सॉन्ग हैड बीन संग बाय हर। आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस मैं दे रहा हूं जिनको आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। हेड दिखाई देगा आपको तो हैड बीन रखना है। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड कॉल्ड देम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड रीड इंग्लिश दे हैड कॉल्ड मी। सी हैड सोल्ड हर कार। दे इन पांचों सेंटेंस को आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करके आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कौन सा बनेगा। कमेंट्स बॉक्स में आप लिख करके बताइए।